पुणे के रामबाग MIT के समीप बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य आयोजन के साथ शिवरात्रि मनाई गई। इस मौके पर भजन संध्या कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और पूजा संपन्न कराने के लिए कई नामचीन पंडितों को बाहर से बुलाया गया था। मौके पर भव्य बारात यात्रा निकाली गई जिसमें कलाकारों ने कई देवी देवताओं की झांकियां दिखाई। बैंड बाजे और DJ के धुन पर भक्तों ने खूब थिड़कने का काम किया। माहौल पूरी तरह से भक्तिमय दिखा। आयोजक टीम के सदस्य संजय पोदार ने कहा कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं लगातार पूर्ण हो रही हैं और अब तो काफ़ी दूर दूर से भी भक्त यहां पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर इस मर्तबा आयोजन को काफ़ी ज़बरदस्त बनाया गया है जिससे लोगों का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। वहीं पंडितों ने कहा कि बाबा भोले के कई रूप हैं जिसमें शिव हमेशा बेकार चीज़ों को अपनाने का काम करते हैं और मानवता को हमेशा बेहतर चीज़ें उनके द्वारा दी जाती हैं और ऐसे महान कार्य बाबा भोले ही कर सकते हैं, इसीलिए उनके शरण में आने से ही जीवन का कल्याण संभव है। इस मौके पर मंदिरों में दूध का भी वितरण किया गया। के बनिस्पत इस बार जो है शिव भक्तों में काफ़ी हर्षोल्लास और काफ़ी जोश है और आयोजन में भी भक्तों की व्यवस्था का हर तरफ इजाफा किया गया है। पूजा विधि विधान सारा संपादित करने के लिए बाबा बैद्यनाथ से चल के वहाँ के पंडा जी सब आए हैं। अभी हम लोग बारात के लिए प्रस्थान करेंगे। बारात सिटी रोड सिटी खुशकीबाग स्टेशन रोड होते हुए कप्तानपारा होते हुए कप्तानपुर रामबाग महामाया स्थान जो है आगमन करेगी। उसके बाद यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था है, फिर महाप्रसाद वितरण की व्यवस्था है, रात्रि शिव विवाह का आयोजन किया जाएगा और फिर जो है आरती के बाद आज का कार्यक्रम समापन होगा। कल 9 तारीख पुनः सुबह जो है रुद्राभिषेक के साथ हवन और आरती के बाद कल संध्या 5 बजे इस कार्यक्रम का समापन होगा। से आए हैं और हर साल संजय बाबू हम लोग को यहाँ बुलाते हैं। वैदिक रीति से सारा कर्मकांड संपन्न होता है। शास्त्रों में शिव के विषय में कहा गया है कि समस्त ब्रह्मांडयोर ज्ञानम अमथनम विश्व विज्ञानम सवेदा, जिससे सारे विज्ञान की उत्पत्ति होती है और पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान जिसमें वो वेद है। और शिवो वेदो वेदो शिवा शिवा वेदो नास्ति किंचित भेदा, शिव और वेद में कोई तरह का भेद भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, भवानी और शंकर का जो योग है इसको श्रद्धा और विश्वास के रूप में लेना चाहिए व्यक्ति को। अब विश्वासो फलदायक है, यानी कि शिव और साइंस और सब एक दूसरे, सब वेद का घून है। तो हम यही ना माने कि हाँ। शिव साइंस और वेद सब एक है। हाँ सब एक है। तो ये थोड़ा बताया जाए, शिव जी का जो बराती है वो भूत प्रेत क्यों होता है? अरे शिव जी सारे अवगुणों को लेकर और व्यक्ति को संसार को शुभ फल देने वाला है। जैसे भांग धतूरा ये सब क्या है, आँख का पुष्प, ये सब जितना चीज आप देखते हैं, मसान में रहना, चिता भस्म लगाना, गले में सांप, कंठ में विष, तो सारे संसार को सारे संसार के अवगुणों को अपने में लेकर और समस्त संसार को शुभ फल देने वाला है, उनको शिव कहते हैं। तो लोगों को भी उनसे अनुसरण करना चाहिए? निश्चित अनुसरण करना चाहिए, गलत चीज़ों का त्याग करना चाहिए और नशा से किसी भी समाज का कल्याण नहीं हुआ है, नशा का परित्याग तो होना ही चाहिए और शिव जैसा विशाल हृदय होना चाहिए। लेकिन एक तो बात ये भी है ना कि इस तरह से शिव जी विष का ग्रहण कर लिया ताकि मानव का कल्याण हो सके। निश्चित, पूरे समस्त सृष्टि का है उसको ग्रहण कर लेते ताकि मानव का कल्याण हो, निश्चित जीव जंतु का कल्याण हो, निश्चित। लेकिन शिव भक्त आप कहते हैं कि नहीं, जो शिव किया है वो हम भी करेंगे, हम भी ग्रहण करेंगे, वैसी बात नहीं है, वैसा नहीं। शिव स्वरूप बनने के लिए कभी कभी भक्त जो है भावना में बहकर ऐसा करते हैं और भक्ति मार्ग में तो सब संपन्न है,
जो अपने स्वयं भक्ति मार्ग में है वो कभी कभी शिव स्वरूप बनने के लिए, जो कि वेदों में इसका निर्माण कहा गया है कि जैसे देवो भूतवा देवम यजेत, कोई भी देवता का पूजा करने के लिए आपको भी स्वयं देवता स्वरूप बनना पड़ता है। तो इस उल्लास में कभी कभी भक्त जो है भांग का ग्रहण कर लेते हैं या इत्यादि, लेकिन वैसे संसार को देने के लिए नहीं है, देने के लिए नहीं, नहीं। संसार जो है स्वच्छ रहे और सब शिवमय हो, यही हम लोग का सबका कामना है। हर हर महादेव। विशप स्कॉट गर्ल स्कूल, द ओनली गर्ल्स स्कूल विथ बोथ हॉस्टल एंड डे बोर्डिंग फैसिलिटीज इन द पूर्णिया, a place where education transcends boundaries with its motto, educating, empowering, enabling. The school celebrates diversity and encourage passion and talent, where every girl is empowered and well equipped to lead life with pride and dignity. Hostel facilities available and designed to provide comfortable and conducive इन्वायरमेंट फॉर द गर्ल्स। नामांकन प्रारंभ है। एडमिशन ओपन सेशन 2024-25 के लिए। आज ही संपर्क करें विशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल, सुधा डेयरी, बाईपास रोड, मरंगा, पूर्णिया। कॉन्टेक्ट नंबर 6201277639, सेकेंड नंबर 8709499506। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर पूर्णिया के NH-31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में, गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, 2400 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 2400 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्ड धारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH-31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तानपुर, पूर्णिया।